का मैनेजमेंट जोड़ा ही चुके हैं। अश्विनी सर से बातचीत कर ली है रिजल्ट्स के ऊपर। सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले शुरुआत पूरे साल के एक स्नैपशॉट से करना चाह रही थी, COVID-19 को लेकर जो रिस्ट्रक्चरिंग में हम लोगों ने इम्पैक्ट देखा है, आपने काफ़ी बताए थे पिछले क्वार्टर के दौरान, अब सिचुएशन क्या है, स्लिपेजेस के आंकड़े इस क्वार्टर के दौरान कितने रहे थे और क्या हम यहाँ से कुछ इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं, उसी से शुरुआत करें। ऐसा है कि अगर आप हमारे नतीजों को देखें और बारीकी से उनका अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि हमारे नतीजे इन गिवन सर्कमस्टांसेस जो कि वातावरण था उसको देखते हुए बहुत अच्छे रहे। सबसे बड़ी बात तो ये कि अब तक का बैंक का सबसे ज्यादा बड़ा ये तिमाही प्रॉफिट है जो हमने 478 करोड़ का जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो किया है, ये हमारा अब तक का सबसे अच्छा है, सबसे ऊंचा है। एक और दूसरी ओर स्लिपेजेस का मैंने कल देखा था CNBC आपका जो अंग्रेजी चैनल है वो भी, और इसमें आवाज में भी हिंदी चैनल में भी ये आ रहा था कि 1655 करोड़ की स्लिपेजेस हैं और इस तरह का कुछ आंकड़ा दिखाई दे रहा था, वो शायद पूरे वर्ष का है। अगर आप उसको देखें तो क्या हुआ था कि बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से आप सितंबर और दिसंबर तिमाही में NPA डिक्लेयर नहीं कर पाए, क्योंकि 31 अगस्त के बाद किसी भी नए अकाउंट को आप NPA डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, कोर्ट का आदेश था। तो उसके अनुरूप हमने प्रोफार्मा NPAs रखे हुए थे, अगर आप उनको देखें और जून तिमाही के NPAs भी अगर आप जोड़ें, सब जोड़कर आपका टोटल वही 1800 करोड़ के स्लिपेजेस आते हैं जो गत वर्ष FY20 वित्तीय वर्ष FY20 में भी वही थे। तो इस वर्ष कोई क्रेडिट क्वालिटी में या स्लिपेजेस में कोई खास अंतर नहीं पड़ा है, डिस्पाइट कोविड के बावजूद कोई बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ। तो जो आपका आंकड़ा जो 1455 का आप देख रहे हैं स्लिपेजेस का, आप उसको GNPA परसेंटेज और NNPA परसेंटेज से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आ जाएगा कि जो लास्ट ईयर की GNPA परसेंटेज थी उससे हमारी GNPA परसेंटेज इस वर्ष कम है, हमारी जो NNPA परसेंटेज थी उस NNPA परसेंटेज से कम है। तो ये बताता है कि एक्चुअली आपने एक लाइन से दूसरे लाइन में शिफ्ट किया है, जो आपके प्रोफार्मा NPA आप जिनको स्टैंडर्ड एसेट्स में रख रहे थे कोर्ट के आदेश की वजह से, अब आपने उनको 23 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो उनको आपने NPA डिक्लेयर कर दिया, बस वही अंतर है। अच्छा सर, इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट्स में समझना चाह रही थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें दिख रही है, एग्री और MSME स्पेसिफिकली, वहाँ पे क्या कंडीशन है, किस तरीके से शेप अप हो रहा है, क्योंकि बाकी सारी बैंक से हम लोग बातचीत कर रहे थे वहाँ पे थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा है, आपकी तरफ से कमेंट? नहीं, एग्री में ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं हुई कि फसलें अच्छी थी, फसलें जो थी चाहे वो खरीफ की फसल हो या रबी की फसल हो, किसानों का एज सच जो प्रोडक्शन था वो पिछले वर्षों से बेहतर था और उसमें मॉनसून की बड़ी कृपा रही, उस वजह से जो एग्री सेक्टर था वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। MSME हाँ जरूर, MSME इसलिए भी प्रभावित हुआ कि उनके एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे थे, सब कुछ बंद था, उनके ऑर्डर्स थे उनके पास, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, कई बार वो भारत से उनके मतलब कंसाइनमेंट चले भी जाएं तो भी जहां जाना है, जैसे यूरोप में जाना है तो वहां लॉकडाउन है तो वहां पर उनका एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो ये दिक्कतें जरूर हुई एक्सपोर्टर्स को हुई और बाकी MSME को डोमेस्टिक में भी हुई, बिकॉज पूरी तरह से लॉकडाउन था, पूरी बंदी थी। और इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ इस क्वार्टर के दौरान कितना रहा था, नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर के लिए आप आउटलुक कैसे देख रहे हैं? हमारी लोन ग्रोथ गत वर्ष 8-9% रही और कंसिस्टेंट रही, चारों क्वार्टर्स में लगभग वही रही, लेकिन उसमें अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे, उसकी जो संरचना है वो देखेंगे तो आपको उसमें अंतर नजर आएगा। पहले हमारी लोन बुक होलसेल पोर्शन ज्यादा होता था उसमें, ये 3 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, 3-4 वर्ष पहले तक हमारा जो होलसेल क्रेडिट पोर्टफोलियो था जिसमें कॉर्पोरेट एडवांसेस आते हैं वो करीब 53-55% के करीब थे, और कमर्शियल बैंकिंग भी उसमें आती है ना, 25 करोड़ से ऊपर के सारे फाइनेंस। और जो रिटेल बुक थी जो 5 करोड़ से नीचे की है, 5 करोड़ से नीचे की बुक हमारी जो है वो रिटेल है, 5 से 25 को हम कमर्शियल बैंकिंग बोलते हैं और 25 करोड़ से ऊपर को कॉर्पोरेट बोलते हैं। तो जो 5 करोड़ से नीचे की थी, चाहे वो बिजनेस बैंकिंग हो ट्रेडर्स को, दूसरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, या रिटेल को, एग्री को, ये वाली बुक जो थी ये हमारी 46-47% थी। 46-47% से हमने उस समय ये लक्ष्य रखा था कि हम इसको उल्टा करना चाहते हैं, ताकि हमारी रिटेल जो है वो 55 के नजदीक हो जाए और हमारी होलसेल जो है वो 45 के नजदीक आ जाए। वैसा हो गया क्योंकि कॉर्पोरेट की डीग्रोथ हुई है और गोल्ड लोन जो कि एक तरह का रिटेल
सेगमेंट है उसमें 71% की ग्रोथ। इसलिए मैंने कहा वो जो 8-9% की ग्रोथ है वो उतना कुछ नहीं बताती जब तक आप उसके कॉम्पोनेंट्स को ना देखें। उसके अगर आप कॉम्पोनेंट्स देखें तो रिटेल, हाउसिंग, बिजनेस बैंकिंग, ये सब अच्छे से ग्रो किए हैं। गोल्ड लोन तो बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है, 71% YOY ग्रोथ है उसमें। दूसरी ओर जो लार्ज कॉर्पोरेट है, जो कॉर्पोरेट एडवांसेस है, उसमें नेगेटिव ग्रोथ हुई क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा होने की वजह से इंटरेस्ट रेट से बहुत तेजी से शार्पी फॉल हुए। जब शार्पी फॉल हुए तो हमने ये निर्णय लिया कि क्या इस रेट पे करना है या इससे बेहतर ये है कि आप उससे अलग रहें। तो उस निर्णय को लेते हुए हमने कॉर्पोरेट को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पुश नहीं किया। अच्छा, निम्स किस तरीके से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं सर? वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के अंदर, चूंकि हम लोग सेकेंड वेव का इम्पैक्ट ऑलरेडी यहाँ से देख भी रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे एक्सपेक्ट करूँ मैं? निम हमारी गत वर्ष की तुलना में करीब 16-17 बेसिस पॉइंट्स कंसिस्टेंटली बढ़ी है। तीसरे क्वार्टर और चौथे क्वार्टर पे अगर आप देखें, हमने चौथे क्वार्टर की निम जो है वो 3.23 पे क्लोज किया है। अगर आप एग्जैक्टली सवा साल डेढ़ साल पहले चले जाएं तो हमारी निम्स 3% थी। सितंबर 19 की तक की जो तिमाही है उसमें हमारी निम जो थी वो 3% थी। तो सितंबर 19 से लेके और आज मार्च 21 तक हम अपनी निम्स को करीब 22-23 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा पाए। और उसका कारण यही है जो मैंने पहले आपसे कहा कि कॉर्पोरेट में थोड़ी ग्रोथ कम हुई, इनफैक्ट इस वर्ष तो डीग्रोथ हुई, और दूसरी ओर रिटेल की ग्रोथ जो है वो ज्यादा तेजी से हुई और उसमें भी गोल्ड लोन जो है वो काफी तेजी से बढ़े, जिसकी वजह से निम का एक्सपेंशन हुआ। तो ये आपने निम का जो प्रश्न पूछा। दूसरा, आपने जो कोविड की दूसरी लहर की बात की तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गत वर्ष की तुलना में स्थिति थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि गत वर्ष तो पूरी तिमाही, पहली तिमाही टोटल लॉकडाउन, इस बार कहीं टोटल है तो कहीं पार्शियल है और उसकी अवधि भी जो है वो कंपैरेटिवली कम है। पिछले साल तो 4 महीने तक पूरी तरह से टोटल लॉकडाउन था। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये चिंताजनक नहीं है, चिंताजनक तो है बिजनेस के की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, लेकिन हो सकता है जो उसकी मार है वो हो सकता है गत वर्ष की तुलना में थोड़ी कम रहे क्योंकि उसका पीरियड लॉकडाउन का जो है वो कम होगा और पहले से काफी जागरूकता बेहतर है लोगों में, खासतौर से जो बिजनेस कंसर्न्स हैं, जो बैंकर्स हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करने, कुछ SOPs भी हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो सब भी जो है वो टेस्ट किए जा चुके हैं। तो उस दृष्टि से कंटिन्यूटी को, निरंतरता को बरकरार रखते हुए मुझे लगता है कि जो उसका इम्पैक्ट है वो गत वर्ष से कम होना चाहिए। और आगे तो महामारी वगैरह के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना सही नहीं है, आप नहीं जानते कि कल क्या हो, बट आज की स्थिति को देखते हुए बेहतर। अग्रीड सर। और आखिर में इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड बिजनेस, क्योंकि आप उसको रीलॉन्च करने के बारे में भी यहाँ से कुछ स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे, कब तक हो पाएगा, कुछ टाइमलाइंस? ये रीलॉन्च नहीं, हमने तो क्रेडिट कार्ड हमारा था ही नहीं, हम तो उसके पार्टनर, उसमें पार्टनरशिप थी हमारी SBI कार्ड के साथ जो अभी भी है, वो पार्टनरशिप खत्म नहीं हुई है। हमने अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया, वो भी अभी टेस्टिंग स्टेज में है, मतलब अभी यूजर वाला जो यूजर ट्रायल है वो तो हो चुके हैं, अब स्टाफ को दिया है। तो अभी 1-1.5-2 हफ्ते पहले ही हमने स्टाफ के लिए उसको लॉन्च किया है। तो स्टाफ में करीब 10-12 हजार कार्ड्स जो है वो अभी इशू हुए हैं और उनसे हम अपना अनुभव लेंगे, देखेंगे हमारी प्रक्रियाएं ठीक ठाक काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, जो पूरा उसका उसकी जो प्रोसेसेस हैं वो जैसे आप चाहते हैं वैसी अनुरूप वैसी आ रही हैं कि नहीं आ रही, और उसको देखते हुए फिर उसका हम एक्सपेंशन करेंगे। पहले हम एग्जिस्टिंग टू बैंक क्लाइंट्स को ऑफर करेंगे, जो हमारे खुद के ग्राहक हैं उनको ऑफर करेंगे, और उसके बाद न्यू टू बैंक के बारे में सोचेंगे। तो ये एक क्रमिक व्यवस्था है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, इस ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू हम इसको वो करेंगे। मुझे नहीं लगता है FY22 में जो अभी वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाली लाइन में इसका कुछ विशेष इम्पैक्ट आएगा क्योंकि अभी तो ये स्टार्ट है, तो इस वर्ष तो शायद वो ज्यादा उसका रोल नहीं रहे। हाँ, अगले वित्तीय वर्ष से FY23 onwards we may have contribution coming from credit cards.